अस्सलाम वालेकुम सूरी साहब, क्या हाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। सच बताऊं तो सूरी साहब की फट के हाथ में आ गई है, बुरा हाल हो गया शर्ट चढ़ के। वो बाज़ अवकात लोग कमेंट्स करते हैं कि आप मज़े कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा एक बार ट्रैक कर लें छिट्टा कट्टा के नीचे से। आप शार के पास बैठे हुए नीचे जो है ना, सर चकरा गया था, बस बेहोश होने लगा था। 110 केजी मेरा वेट है और ये चढ़ाई जो कर चुके हैं उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार कर लें, मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा है। बाकी इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे, जाएंगे आखिर तक और उन्हें शुरू करवा दें। वहाँ तक नहीं है आई थिंक, तो फ्रिज में भी इतना ठंडा पानी नहीं होगा। ये इधर काफ़ी सारे इस तरह के चश्मे जो पहाड़ से निकल रहे हैं और ये पानी आप देख लें, ये अल्लाह की कुदरत है, ये पहाड़ पत्थर में से निकल रहा है और इसमें से हमने पानी पिया है। मेरा तो आने का बिल्कुल मूड नहीं था। हाँ तू लुके भी चिड़िया मारता पुत्र, मैं आ गया हूँ। हाँ। और मुझे शुरू में तो मुझे काफ़ी गर्मी फील हुई क्योंकि धूप थी और अच्छा नहीं लग रहा था, सांस फूल रहा था। हाँ। जब ये आबशार शुरू हुई, चश्मा शुरू हुआ, ठंडी हवा आई, बाद नसीम चली, फिर मुझे अच्छा लग रहा था। मैं आप सबसे पहले आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। पर थैंक यू। पूरे तकरीबन 3 बजे वहाँ से निकले थे बेस कैंप से और इस वक्त 6 बज रहे हैं, तो हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे में ट्रैक किए जिसमें 40 से 50 मिनट हमने वेट किया है। स्टार्ट में सिर्फ तकरीबन कोई 600-700 मीटर उतराई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट चढ़ाई है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, कुछ जगह पे नॉर्मल था। आबशार के साथ साथ जो नाला आ रहा है उसके साथ साथ आ रहे थे। अभी हम डेक 1 पे पहुंच चुके हैं। डेक 1 और डेक 2 में ऑलमोस्ट 100 मीटर का ही फासला है, हमारे जहन में ये था कि इसका फासला ज़्यादा होगा। तो मैंने पहले बताया कि मेरी इतनी अच्छी ट्रैकिंग और वो स्किल्स नहीं है, सांस भी छट जाता, तो मुझे 3 घंटे लगे आराम कर करके। आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर। दरमियान में एक बार हिम्मत हार गया था, मैंने सोचा कि वापस जाता हूँ, यहीं पर चादर डाल के सो जाता हूँ, लेकिन जब इतनी मेहनत की है तो वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो आखिरकार डेक 1 पे पहुँच गए। इंशाल्लाह रात यहीं पर गुजारेंगे और कल सुबह यहाँ से हमारा सिट्टागटा लेक के लिए सफ़र का आगाज़ होगा। तो देखते रहिए, शुक्रिया। जी अपने टेंट में आ गए हैं, उम्मीद भाई बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, थोड़ा सुकून थोड़ा आ रहा है और थकावट तो बहुत हो गई है। आज रात गुजारेंगे यहाँ पे, जी जनाब इस वक्त हमारा खाना आ गया है, सफेद चावल और लोबिया, और मौलवी साहब टूट पड़े हैं महफिल के आदाब के मनाफी, और साथ चपातियाँ भी आ रही हैं, तो सुबह चाय पियेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाना, मिल जाता है लोबिया और चावल मिलेंगे भाई। ये अच्छी खुराक है ना, हर जगह चिकन ही खा ले। अस्सलामुअलैकुम। रात तो बड़ी ज़बरदस्त गुजर गई लेकिन अभी सुबह का टाइम है और ये हालात हैं, बारिश भी हो रही सारी रात। अब देखते हैं कि ट्रैक मुकम्मल हो सकता है या नहीं। जी जनाब ये तो बारिश है, काम ख़राब हो गया। अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ ऐसी अभी दिन तो काफ़ी पड़ा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम जी, इस वक्त सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, चारों तरफ बादल हैं और बारिश भी हो रही है, तो ट्रैक पे जाने का फैसला थोड़ी देर तक करेंगे क्योंकि स्लिपरी होती है। लेट्स सी इंशाल्लाह बादल छट जाएँ तो फिर देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब, इस वक्त हम डेक 1 पे मौजूद हैं, देख रहे हैं जैसे बैक साइड पर बादल नीचे आए हुए हैं, बारिश लगी हुई है, तो सफ़र का आगाज़ करेंगे, आराम आराम से जाएँगे यहाँ से हम इंशाल्लाह। ऊपर पहुंच के फिर रास्ता भी स्लिपरी है, वापसी भी करनी है,
तो लेट्स स्टार्ट, थैंक यू। अभी हम तकरीबन कोई एक घंटे की ट्रैकिंग करके वो नीचे कैंप टू से आगे ऑलमोस्ट मुसलसल ट्रैकिंग ही है। ज़्यादा टफ भी नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, सांस चढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी है। तो बारिश हो रही है मुसलसल, ये दो आबशार हैं, हमने जो राइट साइड पे आबशार है ये जो ऊपर आपको पहाड़ी नज़र आ रहा है इसको क्रॉस करना है। ये सबसे जो टफ इसका ट्रैक है इस जगह का ये वाला है। और ये जी कुदरत के नज़ारे देखें, आखिरकार हम पहुंच गए यहाँ पे। सुबह 6 बजे निकले थे, 10 बजे पहुँचे। बारिश और कुछ इसलिए की वजह से आराम से रास्ते में स्टे भी किए हमने, तकरीबन घंटे एक स्टे किया होगा। जो डेक टू है वहाँ से यहाँ तक नॉर्मली 4 घंटे लगे हैं, जिसमें घंटा आप स्टे कर लें, डिपेंड ऑन योर फिटनेस। हमेशा की तरह वैसे तो एक कोई खातून भी आई हुई थी, तो फैमिली और बच्चों को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मंजर आपके बैक साइड पर, शुरू में हम हिम्मत हार गए तो 3 जगह पे, लेकिन हौसला नहीं आ रहा दोबारा जो है ना, अल्लाह पे आपका यकीन और भरोसा हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी आप कवर कर लेते हैं। और डिफिकल्ट पार्ट्स लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो ये डेस्टिनेशन आप चेक कर लें ब्यूटीफुल। मैं यहाँ कुछ तस्वीर भी बनाता हूँ लैंडस्केप। नवीद भाई रिकॉर्डिंग जारी रखेंगे, उम्मीद है बंद नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूँ, मैं पीछे पीछे आएंगे। आ जाए नवीद भाई।